पिछले गेड़ा तो इतनी बीमारी को नहीं, अब की बार गांव में घुस गई बीमारी। जो दुकानदार है बाजार में काम कर सब घरे बैठे, कोई बाजार में को नहीं जाओ। अच्छा अठे को माड़ो मोटो एक आधा के चिनाई को काम चल रहा है, तो वो एक मजदूर कर लेगा तो वो क्या करेगा? क्या काम ठीक चल रहा है? किसा काम चल रहा है? बंद बंद पड़े है सारा। चलो दर्शक राम राम, मैं थारो मित्र प्रशांत और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। तो आज आप आ रहे हैं डाणकाली डाणी गांव में आ रहे हैं हनुमानगढ़ गए। गो एक छोटो सो गांव है, अठे गए लोगों को मिलांगा, बातचीत करांगा कि कोरोना काल में अठे गए लोग कितना जागरूक है और अठे का काम का जय जगह किया चाल है, सुचारू रूप चाल है, कौन चाल है, अठे जी राशन की क्या व्यवस्था है? तो रोज तो कोठी गल है कोनी, शहर तो है कोनी। एक जमींदार मारे मोटो कर ला रहे भी, दो मजदूर मारे मोटो कर लिए तो भी मैं सारा मजदूर तो पेट भरेगा नहीं। अब बाजार में तो काम चलना नहीं ला रहे है, चिनाई चुनाई का बाजार में भी चल रहा है। तो वो टाइम मैं तो बाजार में गए को नहीं, बाजार को मन ठा को। मैं तो क्या काम करो? मैं तो खेती बाड़ी करूँ, मैं तो बाजार में गया ही, मैं तो कोई दवाई लेने भलाई जाऊँ। अच्छा। नहीं आपका बाजार बंद है, मेरे छोरों पे पेंटर की दुकान है, वो भी घरे बैठो महीनों एक। अच्छा। तो फसल वगैरह थे बेच दी गए? हाँ फसल बेच दी। और जी हमारे बैठे लोग जागरूक हैं चीज़ ना लेके कोरोना ले? बिल्कुल बिल्कुल बंधन में रहे सब। देखो सरकार तो मतलब बचाऊ ला रही है, पर मैं एक बात न कहना चाहूँ, जब पांच स्टेट में वोट पड़ी है बैठे लाखों की रैली काटी, बैठे कोरोना कटे गई, बैठे कोरोना बधाई है कौन बधाइया? जब कुर्सी को मतलब है, जद मतलब कोई पार्टी है कितनी रैली काट है, काट है कोई काट, तो बैठे जब कोरोना कट जाए कुर्सी के टाइम में कोरोना कट जाए जे नहीं कोरोना ज्यादा डरे कौन नहीं नेड़े कौन नहीं दूसरा मतलब बच्चों की पढ़ाई आवे जब कोरोना बच्चों की तो जिंदगी खत्म कर दी जी को आओ वही भूल गया। अब खुद की मेरी पोती चार है, एक पोती आठवीं पढ़ी अठे आठवीं पढ़ी मारे वो परसी वाले गांव को ही छोरो मंदर सिंह पिछले एक अठे मीटिंग हुई जब वो बोले भी जो बच्ची पहला नंबर लेगी ना उसको मैं स्कूटरी 50,000 की दूंगा। तो मेरी पोती ने पिछले गड़े भी जोर लगायो पापा स्कूटरी लूंगी, पिछले गड़े भी ये कर दी, फिर अब कल बोली स्कूटरी लूंगी मैं, नंबर पहले लूंगा आठवीं में, तो बात फिर कर दी नौवीं वाली कर दी, अब दसवीं में एक पोती माने साल हो गए ट्यूशन लगाई ने 500 रुपया भी लगा रखे, अब के बारहवीं का मैं पूरा नंबर लूंगी, जब पेपर ही ना होगा नंबर के बच्चा तो खत्म हो जाएगा, अगर पास तो कर ही देना है, बच्चा पढ़े किएगा? बच्चा की पढ़ाई पर दिक्कत आने आ रही है, सबसे बड़ी तो बच्चों के ऊपर है समस्या। पर यहाँ बताओ जिद वोट मांगा है जिद कोरोना कट जाए, अब और कितने इलेक्शन हो जाए 6 महीना में जब कोरोना कट जाएगी, पेपर खत्म है इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन है 30 कुंटल है कौन टल नहीं, मैं आया कोई नहीं, बीजेपी करे कांग्रेस जितनी भी पार्टी है आपको पलटो पूरा जोर तोपा को लगा हुआ है, वो कह मेरी कुर्सी चाहिए वो कह मेरी कुर्सी चाहिए। अच्छा। वो तो किस्मत जनता का हाथ में है, पर पीस आई कसर कौन छोड़े है, रैलियाँ कसर कौन छोड़े है, ये बात मानो कुछ मन कौन छोड़े कौन आवा वोट लेने क्या करो बना इस बात को, अब तो सारा कुछ कहेंगा, सबसे बड़ी तो बच्चा की है, बच्चा जी का दो पेपर अक्सर जाना है भाई भूल गया, भाई है भाई भी खत्म होगा, भूखा मरता कृषि के बता। सही है सही है। सरकार जो 30 किलो कणक दे है 5 किलो ब्यू तो जनता को पेट को नहीं भरे, कौन भरे भर जाओ के, बीमारी भी है सिमारी भी है, फिर पीसा गल है किंगा आवे किंगा को नहीं आवे, हमारा परिवार के तो मेरे तो किंगा आए को नहीं अज तक, आया को नहीं खाता मेरी ना लर ले साल जगह गल है बे तो आया को नहीं आया ना, मेरे घराली का आया ना मेरी बी मेरी दो बुआ का आया एक बहू का आया, बाकी और आना रहे के ठा मन्ने के ठा आवे सुना हमें तो मेरा इत्ता आ गया मेरे इत्ता का मारता आया कोई, और मारा इसी दुकाना दुकान वाला कोई चीज़ को नहीं, छोटो गाँव है कोई रुपये खंड कोई फालतू भी ले ले तुम्हें मेक आग लो कह दे मारा अग महंगी मिली के ठा ले कौन ले अपन कौन जाना, पर भी मैं कोई दिक्कत आई बात बनी है, सरकार लिस्ट जारी कर रखी है राशन की भी इतने रुपये हम थाना मिलेगा बता तक पहुंच गई लिस्ट आपने कुछ छोरा सप्पा कराएंगे ना आपा इस ध्यान नहीं कौन दे आपा तो आप आराम मस्ती मारा सो गए पुलिस की गाड़ी गुड्डी आए गेड़ो मारे गया गेट है नहीं आम थी बताओ आपा कौन देखे तक दिक्कत आना रही है कोरोना काल में काम में तो दिक्कत सारा नहीं है अकेला ने थोड़ी दिक्कत आओगी सारी दुनिया परेशान है इस टाइम में तो अब वैक्सीन वगैरह लगवा ली थे अभी तक मैं तो लगवाई अभी तक कारण के टाइम लागे को नहीं कारण वही है अभी काम तो बंद हो रहा सारा बेला ही फिर टेम को किया था ना शॉर्टेज क्या पड़ गई टेम की मतलब दुकान पर जाया करता अठा आम था जब दुकान का निकल जाया करता पीछे से आके चला जाया करता शाम ना लेट आम था तो सो ही कारण है तो जी आप थे माड़ो मोटर काम करो दिहाड़ी मजदूरी को तो थाना पुलिस वगैरह रोका रखा कोनी के नहीं अभी तक तो देखो पुलिस की मेहरबानी रही है हमारा गाँव में अभी तक आई को नहीं
और माड़ा मोटो काम चल रहा है जो लॉकडाउन के अंदर अंदर वो बन जा तो बढ़िया है। मैं तो बस वही डर ला नहीं कहते बीच में ना छुटा दे। कई चीज़ ने ध्यान में रखे करो थोड़ा सा के चीज़ लागू है कि कौन नहीं रहे। हाँ बात सारी गाइडलाइन माने ध्यान है के करनो है के नहीं करनो। जो कह ला रही है एक बीमारी और आ रही है फंगस नाम की। हाँ जी देखो अभी तक माने भी कौन पता के चीज़ की बीमारी है के फंगस है वह। सुने तो उसी बारे में नहीं सुन तो लग रहा है पर मन ध्यान ही को नहीं कि किसी की तरीका की बीमारी है कोरोना है कि फंगस के चीज़ की बीमारी है वो ध्यान ही को नहीं बनी बीमार में। अजी दो तीन दिन पहले कहता उतरे तूफान आयो बिंगा कोई अपने गांव में माड़ा मोटा दिखा गया शंका आसार दिखा गया थोड़ी सी आवाज ही चल रही ठंडी सी बाकी कोई आशंका को नहीं। मौसम के हाल चाल है मौसम ठीक है मौसम दो तीन दिन हो गया बदल सा हुआ है और बरसाती सा मौसम हो रहे हो बाकी ठीक है मौसम आज साफ है। और कोई जी मान लो अठे कोई पानी की सुविधा न हो कोई इसी दिक्कत आ रही थाने पानी की सुविधा देखो हमारे तो अठे तो नहर तो बंदी है। अच्छा बंद हो रही नहर तो नहर में पानी आने को ले रहे हमारे तो है अठे और नीचे का पानी है नहीं वो बचा रखे मैंने पानी मीठो पानी अठे सारा सुविधा है पानी की। कोरोना काल चल रहा है लोग बाग के जागरूक है अठे का जागरूक पूरा साफ पालना करे गाइडलाइन की बिल्कुल पालना करे कितना घट मरीज आ रहे कोरोना का मरीज मारे गांव में तो कोई एक ही कोनी आयो आज तक एक ही कोनी आयो कोनी है जांच कोनी करवाई है भाई जांच आलो तो जा तो पीएससी या सीएससी है आ मैं कोई कोरोना जांच करे तो गांव वाला करवा लेवे असुविधा गांव वाले मिलनी जरूरी है जी। अच्छा सुविधा कोनी गांव में क्या असुविधा कोनी वो मारे जा तो जंडाली में जा पक्का सारना दो सीएससी के पीएससी बोला ना दो है आम जे कोरोना की जांच करे तो ही गांव वाला ना फायदा है जांच हो सके जी। डॉक्टर वगैरह उठावे नर्स आवे जी एक अपने नर्स ही है मारे तो भाई जी हाँ कोई गाँव घर में फिरे जो कोई टीकाकरण करे एक बे टीका कोरोना का भी लगा के गया वे लग गया हमारा गाँव में। अच्छा। और मैं एक जंडाली लगवा के आया अपने मार्च में। अच्छा फिर अप्रैल में अठे ही आ गया अठे लगवा लिया तो के काम करे करो थे अपने डिपू ही है वो डिपू है। हाँ जी तो जी अठे डिपू पर लोग बाग आवे राशन लेने। हाँ जी कोरोना की पूरी गाइडलाइन को पालन करो इकट्ठा होनी कौन दिया बिल्कुल इकट्ठा को नहीं होने दिया। अच्छा राशन टाइम टू टाइम आ रहा आप रह गया बिल्कुल बिल्कुल राशन तो पहले ही आ जाओ है और वितरण हो जाए सारो वितरण स्टॉक पड़े रहा है जी वो स्टॉक जितना अपना लग भी तो ही लग गया जितना राशन कार्ड भी तो ही लग गया। हॉस्पिटल में थे जाओ तो डॉक्टर थाने देखने ला रहे हैं मरीज पेशेंट ने या फिर दवाई लिख के देसी दी नहीं देख के फिर देव जी हम ब्लड चेक कर लियो जो भी सिस्टम मारू पूछ लिया भाई कोई दिक्कत तो कौन नहीं थाना दिक्कत वो बता दें जी कोई दिक्कत हो तो और गोली लिख दे नहीं तो इसी पे चल रहा भाई डॉक्टर कहा जाओ डॉक्टर थाने चेक करने पहला कोरोना टेस्ट कराया या कौन कराया नहीं कोरोना टेस्ट की कोई कौन मार दिक्कत ही कौन कोरोना वाली तो नहीं भैया आपकी तसल्ली का तो डॉक्टर कराई है भैया तो नहीं मारू तो आज तक इतनी बात को नहीं डॉक्टर साहब की भैया तो जी हाँ कोई खांसी जुकाम हो या बुखार हो बा ना कोई भी लिखा टेस्ट लिखा भी तो जो एक लॉकडाउन पहला लगायो 2020 के माँ अरे आज लगे लॉकडाउन थारे विचारों लॉकडाउन किसो सही है पिछली गेड़ा तो इतनी बीमारी को नहीं अब की बार गाँव में घुस गई बीमारी। अच्छा गाँव में पैर पसार की यहाँ चिंताजनक की बात है जी पहला तो शहर शहर मेरी इतनी ज़्यादा भी को नहीं मैंने बात तो चिंताजनक बात तो है गाँव में पैर पसार की तगड़ी पसार की है आज दिक्कत सारों ज़्यादा मतलब है तो दिक्कत होगी प्रशासन वगैरह टाण आ रहे टाइम टाइम आवे जी यो हिसाब रहा सारा आवे ही है देखे भी है भी के सिस्टम है के को नहीं जी हाँ कि आप सारे गाँव में फिर के देखने आ रहे हाँ कि अठे सारो गाँव है जो बंद पड़े हुए है और एक दो जना मुश्किल वो मिलन ला रहा है तो लगातार एशिया वीडियो देखने खातर झलको हनुमानगढ़ चैनल सब्सक्राइब कर दियो पास दे बेल आइकन का बटन दबा दियो ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन थाने मिल सके। तो आ वीडियो थाने किया लगी थे आपका विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके जरूर बताया। जय हनुमानगढ़ जय राजस्थान।